भाई क्या रोटी अच्छी बनी है? हाँ जी, पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान हमारा है, हमको ध्यान से प्यारा है, हो जाए इसके कुबान, तेल हमारा पाकिस्तान, पाकिस्तान। हुज़ैफ़ा खान जूते पहन के आओ। हुज़ैफ़ा हेलो, हेलो जी, सुबह सुबह खतरनाक बादलों के साथ बारिश जो है वो शुरू हो गई है। बहुत ज़्यादा बादल जो है वो आ गए हैं। अभी थोड़ी थोड़ी है, फाइका को तैयार किया था, मैंने कहा स्कूल भेजना है उसको, लेकिन बस बारिश आना शुरू हो गई तो फिर अभी वो घर पर ही है। और आज है तो जुमा का दिन, ये मुर्गियाँ भी इधर आ गई हैं। अभी टाइम हो गया है जी तकरीबन 11:30 बजे का, और सुबह थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी, लेकिन अभी जो है फिर ज़्यादा बारिश हो गई। अब वो लोग जो हैं वो यहाँ पे ये चारा लेके आए हैं और कबाड़ी वगैरह करके लेके आए हैं, जानवरों को डालना था, लेकिन अभी लाइट चली गई है तो बारिश भी शुरू हो गई। बारिश जैसे रुकेगी फिर उतरा करके डालेगी अपने भैंसों को, और हमारी सारे मवेशी जो हैं वो नहा रहे हैं, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो अब जो है इनकी तबीयत थोड़ा फ्रेश हो जाएगी। और ये साहब जो है, ये हमारी जो भैंस है ना, इसकी तबीयत थोड़ा ख़राब है, इसलिए ये इसको जो है अंदर बांध दिया, ये कमज़ोर है इसलिए। और बैल जो है उसे तो पानी पसंद नहीं है, इसलिए वो अंदर चला गया। यहाँ पे जो हमारे है ना, ये गाय वगैरह ये कम नहाती हैं, लेकिन भैंसों को जो है ज़्यादा शौक होता है नहाने का। और वहाँ पे जी बकरियाँ, ये हमने इसलिए इनको बाहर बांधा हुआ है कि गर्मी जो है वो इनकी ख़त्म हो जाएगी। अभी बस जैसे ही बारिश थमेगी तो फिर इनको कुतरा करके डालेंगे, और अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बारिश तेज़ होती जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। तो पहले जो है वो बारिश हो रही थी, तो अभी बारिश रुकी है और हम कर रहे हैं जी दोपहर के खाने की तैयारी। तो मौसम जो है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त बन गया है। आज हम बना रहे हैं जी तंदूरी मिस्सी रोटियाँ, जो कि बहुत ही मज़ा करती हैं, और हमारे यहाँ गर्मियों में हमारे गाँव में बड़ी शौक से खाई जाती है, तो आज मैं वो बना रही हूँ। तो उनके लिए जो हाँ जी, तो आज मैं तंदूरी मिस्सी रोटियां बना रही हूँ दोपहर के टाइम, और रोटियों में जो चीज़ें शामिल करती है वो भी मैं काट रही हूँ। ये प्याज मैं काट रही हूँ, फाइका आज स्कूल से नहीं गई थी क्योंकि सुबह से ही बारिश लगी हुई थी और जुमा था आज, तो इसलिए ये घर पे ही, और आज मैंने इसको सारा दिन घर पे ही पढ़ाया है। मैंने कहा कि अब तो इसे घर पे ही पढ़ लें, स्कूल तो फिर ये गई नहीं है। तो यहाँ पे जी अभी हम जो है मिस्सी रोटियों में जो सर्दियों में बनाई जाती हैं उसमें तो हम आलू डालते हैं, लेकिन गर्मियों में जो बनाई जाती हैं उनमें डालती हैं जी प्याज। तो सबसे पहले जो है प्याज उनको काट लेती हैं जी बारीक बारीक, इनको मैंने छील लिया है, प्याज़ों को छील के मैंने धो लिया, तो अभी इनको बारीक बारीक काट लेते हैं, क्योंकि हमने इनको आटे में है गूंदना, तो बारीक बारीक जो है वो ही अच्छे लगते हैं। Lamb, lamb, yulat, yulat.
पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान हमारा है, हमको ध्यान से प्यारा है, प्यारा है, हो जाए इसके कुर्बान, तेल हमारा पाकिस्तान। यहाँ पे जी मैंने प्याज बारीक बारीक काट ली और हरी मिर्चों को काट लिया है, और ये है जी हल्दी, नमक, खुश्क धनिया और लाल मिर्च पाउडर, तो ये भी डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इसमें डालेंगे जी आटा। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया और इसमें डाल देते हैं घी, क्योंकि जब रोटियाँ हमने बनानी है तो तब तो हम घी इसमें शामिल कर नहीं सकेंगे, इसलिए घी को साथ में गूंद देते हैं। चलो जी, तो अभी तंदूर जला लेते हैं, और ये वाला इसको हमने ऊपर ढक के रखा हुआ था बारिश के आने से पहले, अगर बारिश इसमें चली जाए तो ये हो जाता है ख़राब। हम इसमें थोड़ा सा लगा लेते हैं पानी, क्योंकि ये वाली जो रोटियां, मिस्सी रोटियां, ये थोड़ी आग पे बनती हैं, अगर ज़्यादा हो तो फिर जल जाती हैं। आग इसकी हम कर देंगे बिल्कुल ही ख़त्म, और अभी बना लेते हैं कि हम पेड़े। अभी माशाल्लाह से हमारी पहली रोटी जो है वो हो गई है पक्की तैयार। ये देखिए जी, मैंने छोटी छोटी रोटियां लगाई हैं ताकि हमारी रोटियां जो हैं वो टूटे ना। अभी इसमें हम लगा लेते हैं जी घी गर्मा गर्म पे। अभी माशाल्लाह से रोटियां जो हैं वो मेरी हो गई हैं तैयार। ये मैंने छोटी छोटी रोटियां बनाई हैं। अब भाई का पीछे बैठ जाओ ना, मैं मुझे भूख लगी है, मुझे इधर ही अभी रोटी दे दे। ये ले, घी के ऊपर लगा लेते हैं घी, गरम गरम पे घी लग जाता है, और वैसे भी मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा घी डाला हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी मिस्सी रोटियाँ कितनी मज़े की बनी हैं, और बाकी की जो रह गई हैं अभी उनको भी लगा लेते हैं। अभी हमारे तंदूर में सारी रोटियाँ लगी हुई हैं। भाई का रोटी अच्छी बनी है। हाँ जी। ये है हमारी, ये तो मिर्च खा गया। नहीं, मिर्चे नहीं खिलानी इसको। ये हमारा छोटा बेटा, ये भी खा रहा है यहाँ पे। अभी हमारी पूरी फैमिली जो है वो लगी हुई है मिसियाँ रोटियाँ खाने में, और साथ में ये लस्सी भी पकड़ ली। मुझे खा देना।